इस बहाली को लेकर जो मांग चल रही है, कर्मचारियों को अपनी मांग करने का अधिकार है और वो अपनी मांग कर रहे हैं, उसके बारे में। लेकिन ऐसा होता है कि जब कर्मचारी मांग करते हैं सारी सरकारों में उनकी सारी मांगे पूरी हो जाती हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, अपना पक्ष वो रख रहे हैं और ऐसे में जो परिस्थितियां प्रदेश की हैं उन परिस्थितियों में उसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर अभी कहना कठिन है, सरल नहीं है। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने घोषणा की है वो उनके हालात पूछें कि वो कितने संकट में हैं। अभी हमारी जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, राजस्थान सरकार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो सबसे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं गहलोत जी, वहाँ पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष इसी बात को लेकर के कहते रहे कि हम तो करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र मदद करें। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जल्दबाजी में उन्होंने कह तो दिया है लेकिन उसे करना इतना सरल नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और आज जो कांग्रेस के लोग इस बात की बार बार घोषणा कर रहे हैं कि आते ही हम करेंगे, हम आते ही करेंगे, हम आते ही करेंगे, ये OPS उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2003 में जब MOU साइन हुआ है उस वक्त हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जब सबसे OPS को जो है समाप्त करके NPS को लागू किया गया है। इसका पहले तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से इस बात को पूछना चाहिए कि सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं वो, लेकिन अपने पास उनके क्षमता नहीं, योग्यता नहीं उनमें, कांग्रेस के नेताओं में आज भी वोट मांगने की बात उनके ही नाम पर कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उस पर भी, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता जिनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिनके नाम पर सारी चीज़ों को लेकर के वो फोकस कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके नाम पर वोट पड़े, उस नेतृत्व ने निर्णय किया था कि हिमाचल प्रदेश में OPS को समाप्त किया जाए, NPS को लागू किया जाए। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है आप जरा पूछिए उनसे। सर, एक जो लास्ट कैबिनेट में आपने 300 डॉक्टर्स इंटरव्यू के बोले थे, तो उनकी इंटरव्यू की नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी? जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी।